कि एमपी बनने वाला आदमी ही तो विदेश मंत्री बनता है, एमपी बनने वाले रक्षा मंत्री बनता है, एमपी बनने वाले मानव संसाधन मंत्री बनता है। तो एमपी बनने वाले आदमी का विजन अगर ये मतदाता के सामने क्लियर नहीं है कि भाई मैं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में मेरा क्या दृष्टिकोण है, तो वो एमपी के योग्य नहीं है। इसलिए मैंने इन चार बातों पर केंद्रित करके एक ये पत्रक जारी किया और अंत में मैंने मतदाताओं के लिए आमंत्रण का भी इसमें लिखा कि 7 मई को ये जो राष्ट्रीय यज्ञ है इसमें मतदान करके अपनी एक एक मतदान के द्वारा अपनी आहुति देकर इस प्रजातंत्र के महायज्ञ जो प्रजातंत्र का हो रहा है इसको सफल बनाए, ये अपील मैंने की। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जयपुर के लिए मैंने जो इसमें प्रभु मांगे रखी हैं, जयपुर के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक है। एक मेट्रो रेल जो केवल जयपुर की नगर निगम की सीमा तक सीमित नहीं रहे बल्कि चोमू, शिवदासपुरा, बस्सी, बगरू एवं अन्य कस्बों को भी जोड़े, एक। दूसरा, जयपुर दिल्ली बुलेट ट्रेन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए उसका भी मैंने उसमें उल्लेख किया है। बाकी तो शिक्षा का केंद्र बनाने के बारे में कहा है, तो शिक्षा केंद्र तो ऑलरेडी हमने इसको बना दिया 5 वर्ष में। आपको मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि मेरे मंत्री काल में और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जयपुर में शिक्षा का और विकास का जो काम हुआ है उसका कोई जवाब नहीं। कोई भी आदमी उसका अगर थोड़ी बहुत भी कमी निकाल दे तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। एक विश्वविद्यालय जयपुर में था जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, राजस्थान विश्वविद्यालय, और कांग्रेस पार्टी जयपुर के विकास के नाम पर वोट मांग ही नहीं सकती। उन्होंने 3 बड़े आघात जयपुर शहर पर किए। पहला आघात तो किया था कि जो टर्मिनल मार्केट किसानों का बनने वाला था वो पिछली बार गहलोत साहब जी ने मुख्यमंत्री बनते ही उसको जोधपुर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन खजाना खाली के तर्ज पर 3 साल तक बढ़ा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो पहले ही राज्यपाल के अभिभाषण में ये लिखा कि मोहाना में टर्मिनल मार्केट बनेगा और 1100 करोड़ की लागत का टर्मिनल मार्केट बनकर तैयार हो गया। ये सबसे बड़ी देन जयपुर के लोगों के, व्यापारियों के लिए, उपभोक्ता के लिए, किसानों के लिए हुई। दूसरी सबसे बड़ी चोट उन्होंने जयपुर के लिए की थी कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है अपने जोरावर सिंह गेट के पास में आयुर्वेद का, और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जयपुर में बनाने के लिए भारत सरकार ने कहा था और भारत सरकार ने पैसे देने की बात की थी। उस आयुर्वेद विश्वविद्यालय को उठाकर वो जोधपुर ले गए थे मुख्यमंत्री थे। तीसरा, लॉ यूनिवर्सिटी भी उस समय जयपुर में बनाने की बात की गई थी, मुकदमों की वो देकर वो भी नहीं बनाई गई। मैं जब मंत्री बना उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने 1 से बढ़ाकर 5 तो 3 तो सरकारी विश्वविद्यालय बना दिए। एक सरकारी विश्वविद्यालय बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो केवल 7 राज्यों में है और राजस्थान में नहीं थी, वह हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की और मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसका 200 बेड का सुपर स्पेशलिटीज का हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी करीब करीब कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से मानस आरोग्य सदन का मानसोर में निर्माण कराया, और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल को, जेके लोन अस्पताल को, जनाना हॉस्पिटल को, डेंटल हॉस्पिटल को, महिला अस्पताल को, और ये जो अपना मनोचिकित्सा का है उसको केवल इस 5 साल के शासनकाल में 120 करोड़ रुपए तो अकेले सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगे और 100 करोड़ रुपए अन्य हॉस्पिटलों में लगे। 220 करोड़ रुपए का खर्च केवल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। इसी प्रकार से हमने जयपुर के लिए बिसलपुर की पानी लाओ सुनते सुनते कान पक गए थे, और 5 साल तक कांग्रेस के राज में इस बड़ी योजना को पटके रखा, और फिर हमने जब इसका टेंडर कर दिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट करके 13 महीने तक बिसलपुर की पाइपलाइन को रोक कर रखा, और हमने विधानसभा में उन पर आरोप लगाया था, उन बिसलपुर के पानी को रोका। अब वो पानी जयपुर आ गया हमारे शासनकाल में, और गहलोत साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत ईमानदारी का काम किया। नारियल फोड़ते समय कहा कि काम तो वसुंधरा जी ने किया लेकिन नारियल में फोड़ रहा हूं, ठीक है, नारियल तो जो मुख्यमंत्री होगा वही फोड़ेगा,
उन्होंने फोड़ा, इसलिए बिसलपुर का पानी लेकर आए। और भी बहुत से काम जयपुर के लिए है, इसमें बहुत इतनी 275 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन भारत जनता पार्टी के शासन काल में डली, 275 किलोमीटर लंबी और 140 किलोमीटर से लंबी पेयजल की उनको हमने बदला, और 1100 किलोमीटर लंबी सड़कें जयपुर शहर में भारत जनता पार्टी के शासन काल में बनी। और उसी प्रकार से हमने ये जो अंडरग्राउंड लाइन डालने का काम है वो काम भी शुरू कर दिया, जो बहुत उसमें 25-30% काम पूरा भी हो गया, और शहर में सारी जो अपनी बिजली की लाइनें हैं उनको अंतर्गत का काम कर दिया। तो पहला जो मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर के विकास के लिए 5 साल तक जो हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, कालीचरण जी मंत्री रहे, विधायक थे, मोहनदास जी भी थे, मोहनलाल जी गुप्ता भी थे, हम सब ने मिलकर जो काम किया उस विकास के आधार पर ही विधानसभा में जयपुर की जनता ने हमको मत दिया और उसी के आधार पर हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं, एक बात। तो दूसरा मेरा मुद्दा इसमें बहुत बड़ा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उसको जयपुर शहर में ही प्रमुख रूप से उठाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पहली बार एक कानून बना इकोनॉमिकली बैकवर्ड, अनुसूचित जाति के आरक्षण को हमने नहीं छोड़ा, छेड़ा नहीं, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को हमने नहीं छेड़ा, ओबीसी के आरक्षण को नहीं छेड़ा, और 5% स्पेशल ओबीसी में आरक्षण किया, और 14% आरक्षण हमने ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ, सिंधी और मुसलमानों में भी जो ओबीसी में नहीं आए हैं वो लोग जो वंचित वर्ग के लोग थे उनके लिए 14% आरक्षण किया। मैंने खुल बिल पेश किया विधानसभा में, उसको पारित कराया, और उस पारित करने वाले बिल के कारण से हमने 70,000 नौकरियों की वैकेंसी निकाली थी, तो 14% नौकरी उसमें इन गरीब ब्राह्मण बनिए राजपूत कायस्थों के लड़कों को मिलती। इसको कांग्रेस पार्टी ने इनके पेट पर आघात मारा और राज्यपाल से मिलकर इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर इन सब की आरक्षण को रुकाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस वर्ग से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं, अगर ये वोट मांगने जाए तो इस वर्ग के लोग, बच्चे जो आज बेरोजगार तड़प रहे, गरीब लोग, ये इनसे इस बात को पूछ सकते हैं। ये चुनाव का मुद्दा है प्रमुख, और मैं इस चुनाव के मुद्दे को जगह जगह अब उठाऊंगा। आज मैंने इसको प्रेस क्लब में कहा है, कल से मैं इसको पब्लिक के बीच में लेकर जाऊंगा। इसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी भी जिम्मेदार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, कांग्रेस का गवर्नर भी जिम्मेदार है, और सरकार दिल्ली में बनने के बाद में हम इस राज्यपाल के खिलाफ भी ऐसी कोई कानूनी बात करने की सोचेंगे कि विधान सरकार या कमीशन की सिफारिश के खिलाफ, विधानसभा के सर्वसम्मत उसके खिलाफ 8-9 महीने से ये राज्यपाल इसको दाब कर कांग्रेस के इशारे पर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा पाप है और हम इस मुद्दे को वहां पर उठा रहे हैं। इसी प्रकार से जयपुर से संबंधित और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। मैंने ये बात इसलिए कही है कि मूल रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, मैंने विकास की बात आपको बता दी, और भी बहुत से विकास हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर अगर बहस करना चाहें तो विकास के मुद्दे पर बहस करें, हम उसके तैयार हैं। हम चाहते, संस्कृत का सुभाषित वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका अर्थ पढ़ देता हूं कि सभासद कैसे होने चाहिए। सभासद ऐसे हों जो तथ्यों को जानते हों, जो जन की पुत्रवत सेवा करने वाले हों, तथा सूर्य के समान अपनी वाणी की किरणों से प्रकाशित होने वाले हों। इस कसौटी पर जयपुर के मतदाता जयपुर के प्रत्याशियों को परखें, इसमें जो उनको अच्छा लगे उसका वो चयन करें। उसमें है, यह सभेयो विदथ है सुत्वा यजवात है। जागृति पैदा की लाल कृष्ण की अगवाणी, जब अयोध्या से राम व्रत लेकर चले थे उस समय से देश जागृत होना शुरू हुआ। फिर कहीं जाते हैं कि उन्होंने, अब वो देश जाग चुका है। हर मैं आपको कहना चाहता हूं, इतिहास का क्षण होगा, वो 16 मई के बाद जब बजट आएगा और लाल कृष्ण अगवाणी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, विवादन का जख्म हमारे लगा हुआ है वो भरना।
कि राष्ट्रवाद की बात भाई प्रणब जी जो काम वो कह रहे थे आपके सारे काम का नहीं करेंगे, मैं कहीं मन भी करूंगा, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे राष्ट्र की बात वो जयपुर का नाम लोकसभा में आपकी सहायता से आपकी आज्ञा से निरंतर गुजारता रहूंगा। मेरे लिए कोई भी काम हो कभी भी हो आपका मेरा संबंध परिवार का संबंध है, आप जिस चाहिए वैसा करता रहूंगा। आप सब लोगों ने सुना सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये चुनाव केवल जयपुर के मुद्दों पर नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा रहा है चुनाव है, और ये महंगाई के खिलाफ लड़ा जा रहा चुनाव है। जयपुर की समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे, लेकिन इस समय राष्ट्रीय मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह के बीच का चुनाव है। लेकिन सर जनता की जनता से कुछ वादे तो, जयपुर की जनता राष्ट्रवादी विचारों की जनता है और वो चाहती है कि भारत का प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी बने, उसी पर वोट दे।